वे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी बोनस शेयर की इशुएंस है, पर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है इसमें, क्योंकि बैलेंस शीट भी है। तो इसकी डिटेल ये है कि स्मार्ट ट्रेडिंग एंड कंपनी लिमिटेड प्रेजेंट द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन December 31। ये कंपनी की बैलेंस शीट दी हुई है। एसेट साइड है, उसमें फिक्स एसेट है जिसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वगैरह है, और उसके बाद करंट एसेट है, स्टॉक, डेटर और बैंक। और उसके बाद लाइबिलिटी साइड है, उसमें सबसे पहले कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल में इशूड सब्सक्राइब ऑथराइज कैपिटल है, ये तो ऐसे ही आता है, इसका कोई नीचे असर नहीं होता। उसके बाद इशूड सब्सक्राइब या पेड अप कैपिटल है, उसके बाद जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह, और उसके बाद ये लाइबिलिटीज हैं, क्रेडिटर या प्रोविजन फॉर टैक्स। ये कंपनी की लाइबिलिटीज़ हैं, और ये ऊपर वाला कैपिटल का पार्ट दिया हुआ है। तो ये बैलेंस शीट है। वो आगे कहता है कि द कंपनी परचेज फ्रेश मशीनरी फॉर ₹2 लाख फॉर विच इट पेज 25,000 बाय चेक एंड फॉर बैलेंस अलोड ऑर्डनरी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट 25% प्रीमियम। कह रहे कि कंपनी ने एक ना नई मशीनरी खरीदी है 2 लाख की, जिसमें से 25,000 तो उन्होंने चेक दे दिया है, मतलब उसकी पेमेंट कर दी है, वो बंदा चेक जाके बैंक में देगा और पैसे निकलवा लेगा, और जो बाकी अमाउंट बची है उसके बदले में उसे ऑर्डनरी शेयर इशू कर दिए हैं, और वो जो ऑर्डनरी शेयर इशू किए हैं वो प्रीमियम पे इशू किए हैं। तो आगे वो कहता था, द कंपनी देन इशू 2 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 ऑर्डनरी शेयर हेल्ड एट प्रेजेंट। और वही जैसे पहले हमने 4 क्वेश्चन में किया था, वो बता रहा है कि कंपनी ने हर पाँच शेयर रखने वाले को 2 शेयर और इशू किए हैं, तो 5 वो न्यू शेयर डिवाइड बाय ओल्ड शेयर आएगा, तो 2 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय एग्जिस्टिंग शेयर जो होंगे, एग्जिस्टिंग शेयर ये पीछे हमें दिए हुए हैं इशूड सब्सक्राइब कैपिटल में, जिसमें 12,000 मल्टीप्लाई 100 किया हुआ है, तो ये 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमारी क्वांटिटी निकल आएगी जिससे हमने नए बोनस शेयर इशू करने हैं। और उससे आगे उसने बताया, फॉर द पर्पज ऑफ अमाउंट ऑफ बोनस यूटिलाइज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस आउट ऑफ जनरल रिजर्व। और जैसे उसने पहले क्वेश्चन 2, 3, 4 वगैरह में बताया था कि जो हम बोनस शेयर इशू करेंगे वो हम अपने जनरल रिजर्व में से करेंगे या किस अकाउंट में से करेंगे, तो इसमें उसने 2 अकाउंट बताए हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे, पहले उसका बैलेंस यूज़ करेंगे, अगर तो उसमें से इशू हो जाते हैं तो फिर हमें अगला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर उसमें इतना बैलेंस नहीं होगा तो इसलिए हमें जनरल रिजर्व को भी यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2.5 लाख है और जनरल रिजर्व 8 लाख है, ये जब हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि जनरल रिजर्व से कितनी अमाउंट जाएगी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितनी जाएगी। और उसकी जो रिक्वायरमेंट वो ये है कि यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री फॉर द अबव अरेंजमेंट्स एंड रीड्राफ्ट द कंपनीज बैलेंस शीट। अब ये जो उसने डिटेल ऊपर दी हैं, इनकी एंट्रीज करनी है, अब वो एंट्रीज करने के बाद जाहिर है कंपनी के जो एसेट वगैरह है वो भर जाएंगे और जो कैपिटल है, इशूड कैपिटल है, वो भी बढ़ेगा, तो बैलेंस शीट में चेंजेस आएगी। तो इसलिए उसने कहा कि जब आप एंट्रीज पास करेंगे उसके बाद आपने कंपनी की बैलेंस शीट भी दोबारा बनानी है कि जो आपने एंट्रीज पास की हैं उनका बैलेंस शीट पर क्या असर आया। ये ऐसी है जैसे पिछले सेमेस्टर में आपने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्रीज की होंगी, फिर उन एडजस्टमेंट एंट्रीज से नया ट्रायल बैलेंस बनता था। तो इसी तरह से है, जब ये एंट्रीज हम पास करेंगे उसके बाद बैलेंस शीट पर उसका असर आएगा, तो फिर हम एक नई बैलेंस शीट बनाएंगे जिससे इन सब का जो अफेक्ट है उस पर वो पता चलेगा हमें। तो सबसे पहले इसकी एंट्रीज करनी है। तो ये बताया हुआ उसने कि कंपनी ने एक नई मशीनरी परचेज़ किया है, ये इसी तरह जनरल बना के एंट्री पास करनी है। तो मशीनरी परचेज़ किया है, मशीनरी हमारा एसेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा 2 लाख से, और जिसे ख़रीदी है उसको हमने चेक दिया है तो बैंक हमारा डिक्रीज होगा, एसेट है डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। इसकी अमाउंट 25,000 हमने बैंक के थ्रू दे दिया चेक के थ्रू, और बाकी जो अमाउंट है वो पेएबल है, तो आप इसे अकाउंट पेएबल कर लें, क्रेडिटर कर लें या वेंडर कर लें, तीनों सही हैं। उस सर ने आपको वेंडर कराया तो वेंडर ही लिख लें, ये वैसे क्रेडिटर भी कर सकते हैं इसको। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1,75,000, 2 लाख में से 25,000 माइनस करेंगे तो जो बाकी अमाउंट बचेगी जो पेएबल है वो 1,75,000 है।
तो जो ये बाकी अमाउंट है उसके लिए वो आगे बताता है कि इस अमाउंट के लिए हमने जो उस बंदे को जो हमारा वेंडर है उसको हमने बोनस वो ऑर्डनरी शेयर इशू कर दिया, बोनस शेयर नहीं ऑर्डनरी शेयर इशू कर दिए हैं, और जो शेयर इशू किए हैं वो प्रीमियम पे इशू किए हैं। तो उसने हमें शेयर की जो अमाउंट है वो बता दी गई है, वो 1,75,000 है। हमने क्वांटिटी निकालनी है, तो जो अमाउंट बताई है उसको अगर हम जो जिस प्राइस पे हम इशू कर रहे हैं उस पे डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ़ शेयर पता चल जाएंगे कि कितने नंबर ऑफ़ शेयर जो है हमने उससे दिए हैं। और अब ये 100 फेस वैल्यू है और 25% प्रीमियम है, तो 25% प्रीमियम आ गया, 25 आएगा। अगर ये 10 होता तो यहाँ 2.5 आ जाता, तो जो ये 25 और 100 फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो ये 125 इससे डिवाइड करेंगे तो हमें क्वांटिटी पता चल जाएगी कि कितनी क्वांटिटी इशू किया शेयर्स की हमने। चौदह सौ आ रहा है इसका आंसर, हमने जो है 1400 शेयर इशू किए हैं। अब जो शेयर इसकी एंट्री करेंगे तो वैसे ही होगी, शेयर कैपिटल हमेशा अपनी फेस वैल्यू के साथ क्रेडिट होगा, यानी कि इस 1400 को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, उससे हमारा शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, और जो बाकी अमाउंट होगी 100 के साथ इसको करा दिया तो इसका पार्ट जो प्रीमियम का था वो 25 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारी प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी। तो जो वेंडर था उसको हमने पे कर दिया, पे ऑफ इस तरह किया, कैश नहीं दिया हमने, ऑर्डिनरी शेयर से दिए, तो वेंडर हमारी लाइबिलिटी था वो ख़त्म हो रहा है। लाइबिलिटी कम हो तो डेबिट होती है, इसलिए वेंडर डेबिट हो जाएगा 1,75,000 से, और जो शेयर कैपिटल है वो इंक्रीज होगा, कैपिटल इंक्रीज हो तो क्रेडिट होता है इसलिए शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। और ये 1400 के साथ 100 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारी शेयर कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी, और उसके बाद शेयर प्रीमियम ये 25 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1400 के साथ तो ये हमारी प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी 35,000 है। ये गैप के साथ नहीं लिखना, दोनों चीज़ों को इकट्ठे लिखना है, ये डेबिट साइड है क्रेडिट साइड है, दोनों साइड बराबर है। इसकी जनरल एंट्री हो गई। अब उसके बाद वो कहता है द कंपनी देन इशूज़ 2 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 ऑर्डिनरी शेयर हेल्ड एट प्रेजेंट फॉर द पर्पज ऑफ दिस यूटिलाइज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब वो कह रहा है कि जो कंपनी है उसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उसने हर 5 शेयर रखने वाले को 2 नए शेयर दिए हैं, यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर उसने पीछे बताए हुए हैं हमें बैलेंस शीट में, ये लिखा हुआ है इशूड कैपिटल में 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारा इशूड है, वो एग्जिस्टिंग शेयर है 12,000 को जब हम मल्टी इसके एग्जिस्टिंग शेयर का फॉर्मूला लिख लो मल्टीप्लाई बाय न्यू शेयर डिवाइड बाय ओल्ड, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 तो ये 4800 आ जाएगा। हमने 4800 नए बोनस शेयर इशू किए हैं और ये पार पे इशू हुए होंगे, अगर उसने बताया नहीं है तो पार ही कंसीडर करेंगे, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वो जो क्वांटिटी तो पता है हमें, शेयर्स की अमाउंट पता चल जाएगी, तो उसकी भी एंट्री पास करेंगे, बोनस टू शेयर होल्डर या वो जो भी एंट्री होती है उसकी वो एंट्री पास करेंगे। अब वो भी करते हैं क्योंकि उसने 2 रिज़र्व को यूटिलाइज़ करके ये काम किया है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और दूसरा जनरल रिज़र्व को, तो पहले जो जिसमें से भी अमाउंट जा रही होती है वो डेबिट होता है, तो इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसने कहा पहले अमाउंट जाएगी फिर उसके बाद जनरल रिज़र्व में से जाएगी, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, और क्रेडिट में आ जाएगा बोनस टू शेयर होल्डर। अब ये 4800 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4800 4,80,000 आ जाएगा। पहले जो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अमाउंट निकालेंगे, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले 2,50,000 है,
जो 4,80,000 से कम है, तो 2,50,000 इसमें से पहले जाएगा, उसके बाद जो बाकी अमाउंट बच जाएगी वो जनरल रिजर्व में से जाएगी। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये तो पूरे डेबिट हो जाएगा ना 2,50,000 से। बाकी हमारे पास इन दोनों का क्या डिफरेंस आएगा, 4,80,000 में से 2,50,000 हम माइनस करेंगे तो ये 2,30,000 आ जाएगा। उसके बाद ये जो बोनस टू शेयर होल्डर है ये वही है क्वेश्चन 2, 3 और 4 वाली एंट्रीज, बस इसमें जो रिज़र्व हैं ये 2 हो गए हैं जिनमें से हमने अमाउंट निकालनी है। उसके बाद शेयर कैपिटल ये इंक्रीज होगा 4,80,000 से, ये हमारी लाइबिलिटी थी पे ऑफ करनी थी, बोनस टू शेयर होल्डर हमने दे दिया है तो डेबिट हो जाएगी 4,80,000 से ये एंट्री सी। उसके बाद अब उसने कहा कि इन एंट्रीज की मदद से आप कंपनी की बैलेंस शीट दोबारा ड्रा करें। तो अब हम बैलेंस शीट ड्रा करेंगे, जो हमारी एंट्रीज थी पहली एंट्री ये थी। अब इन एंट्रीज़ का इफेक्ट देखेंगे हमारी बैलेंस शीट पे क्या क्या आता है। जैसे पहले आपने एडजस्टमेंट एंट्रीज की होंगी उनका देखते थे, उसी तरह से एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए ये सारा तो मैंने कैलकुलेशन किए हैं, ये तो इंक्लूडेड नहीं है उसमें। ये एंट्रीज देखेंगे, ये आपने नीड करनी है पेपर में, तो इन एंट्रीज की मदद से देखेंगे कि बैलेंस शीट में क्या चेंजेस आती हैं। तो पहले उससे देख के बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले इधर लाइबिलिटीज आ जाएंगी, वे जो पहले से बैलेंस शीट मिली हुई है उसके हिसाब से हम अपनी नई बैलेंस शीट एडजस्ट करेंगे। ये देखेंगे कौन सी चीज़ें कम हो रही हैं और कौन सी चीज़ें इस बैलेंस शीट में से बढ़ रही हैं, या कुछ नई चीज़ें ऐड हो रही हैं हमारी जो हमने नई एंट्रीज की हैं उनकी वजह से। तो सबसे पहले यहाँ ऑथराइज कैपिटल है, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, ये वो कैपिटल है जिसके साथ कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, इसका डबल अंडरलाइन कर नीचे कोई इफेक्ट नहीं है। उसके बाद इधर एसिड साइड पे फिक्स एसिड है, उसमें लैंड है, बिल्डिंग है 9,00,000, और उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है 2,00,000। एंट्रीज करते हुए हम देखेंगे कि कोई चीज नई चीज़ तो नहीं उधर एसिड साइड पे ऐड हो रही। तो ये पिछली एंट्री देखेंगे तो मशीनरी है जो हमने नई खरीदी है, तो ये हमारा एसिड इंक्रीज होगा तो एसिड साइड में ही आ जाएगा। एक तो पहले थी प्लांट एंड मशीनरी 8,00,000 की, और उसके बाद 2,00,000 की हमने एक नई मशीनरी खरीदी है, तो वो 2,00,000 की न्यू मशीनरी इसके आगे लिख लेना, और 2,00,000 आ जाएगा ये यहाँ। और उसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर की अमाउंट है 1,90,000 है। उसके बाद करंट एसेट है, करंट एसेट पीछे देख लेंगे, अगर नहीं नहीं कुछ चेंज आ रही या कुछ नया नहीं आ रहा तो सारी चीज़ें ऐसे ही लिख देंगे। और उसके बाद बैंक है ये 2,50,000, 2,20,000 और 1,30,000 पीछे देख लेते हैं अगर कुछ है। बैंक है वो क्रेडिट हो रहा था, कुछ नया एसेट आया तो उसे डेबिट कर देंगे, मतलब एसेट साइड पे लिख लेंगे। उसके मशीनरी के अलावा कोई और एसेट नहीं है। उसके बाद हम लाइबिलिटी साइड देखेंगे, ये ऑथराइज कैपिटल तो ऐसे ही लिखना होता है ना, इसका कोई इफेक्ट नहीं नीचे। उसके बाद जो हमारा इशूड कैपिटल है, इशूड सब्सक्राइब या पेड अप कैपिटल या शेयर कैपिटल भी कहते हैं इसे, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। पहले जो हमारे शेयर थे वो 12,000 थे, तो हमने बाद में कुछ नए शेयर्स भी इशू किए हैं, एक तो वो बोनस शेयर के थ्रू इशू किए हैं और एक वो वेंडर को इशू किए थे, तो वो भी अब हमारे शेयर कैपिटल का पार्ट बन जाएंगे। जो हमने ये वेंडर को शेयर इशू किए थे वो 1,400 थे, 1,400 ये हो गए। और उसके बाद ये जो हमने बोनस शेयर इशू किए थे अब ये भी शेयर कैपिटल का पार्ट बन गया है, यानी कि ये भी इशूड सब्सक्राइबर पेड अप कैपिटल का कैपिटल बन चुका है। तो ये भी 4,800 और ये 1,400, ये दोनों ऐड होंगे उस 12,000 में, तो ये 6,200 जो है
इन दोनों का सम 4800 1400 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 6200 बन जाएगा। ये 6200 इसमें ऐड होगा और ये जो इशूड पेड अप कैपिटल की जो अमाउंट है बैलेंस शीट में लिखेंगे इसे हमेशा पार वैल्यू पे लिखेंगे। तो ये 18200 शेयर्स आ गए हैं। अब ये 18200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से जो उसकी फेस वैल्यू है शेयर्स की। तो ये 18,20,000 बन गया। और उसके बाद जनरल रिज़र्व है जनरल रिज़र्व में पहले थे 8,00,000 उसमें से हमने कुछ हिस्सा यूटिलाइज़ कर लिया। तो ये 2,30,000 हमने जनरल रिज़र्व का यूज़ कर लिया। तो ये 2,30,000 हम इसमें से माइनस करा देंगे तो ये इसकी अमाउंट बचेगी 5,70,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी हमने यूटिलाइज़ किया था, उसमें से 2,50,000 निकाला था और 2,50,000 उसमें पहले था। तो ये 2,50,000 लिख के 2,50,000 माइनस कराएंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। ये तो बिल्कुल ख़त्म हो गया ना। उसके बाद है क्रेडिटर और उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स 65,000 है और जो हमारा क्रेडिटर है वो 1,75,000 है। अब एक चीज़ और नहीं ऐड हुई है इसके अलावा, वो मशीनरी भी हो गया। बैंक ये तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा ना, ना उधर दिया हुआ है। वेंडर ये इसके साथ कैंसिल हो गया। उसके बाद शेयर कैपिटल भी हमने यूज़ कर लिया, ये शेयर प्रीमियम नहीं हमने यूज़ किया तो ये नया अकाउंट ऐड होगा। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस भी हो गया, जनरल रिज़र्व भी हो गया, बोनस टू शेयर होल्डर ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया। उसके बाद ये शेयर कैपिटल भी हमने उधर ऐड कर लिया, ये एक शेयर प्रीमियम रह गया तो इसको ऐड करना है हमने अपनी लायबिलिटी साइड में कैपिटल में शेयर कैपिटल। इसको ये रिज़र्व के बाद क्रेडिटर से ऊपर लिखना, मैंने बाद में नीचे लिखा ये शेयर कैपिटल। इसको ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस या ये रिज़र्व वगैरह इनके साथ लिखना है, यानी कि क्रेडिटर लायबिलिटी से ऊपर लिखना है। तो ये जो शेयर कैपिटल है ये 35,000 है, ये एक नई चीज़ है जो लायबिलिटी या कैपिटल वाली साइड पे ऐड हो रही है। अब इन दोनों साइडों का टोटल करेंगे तो वो टोटल ये इन दोनों साइडों का टोटल करेंगे तो ये 26,65,000 आ गया। और इस साइड का भी टोटल करेंगे, इसमें ये जो बैंक है वो 1,30,000 नहीं है, 1,30,000 माइनस यहाँ पे हमने जो चेक इशू किया था उससे हमारी बैंक की अमाउंट कम हो जाएगी। तो बैंक 25,000 से इसमें से माइनस करा देंगे तो ये 1,05,000 बच जाएगा। अब इस साइड का भी टोटल करेंगे ये दोनों साइडों का टोटल 26,65,000 आ गया। बैलेंस शीट बराबर आ गया और जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो कि जनरल एंट्रीज पास करनी है और उसके बाद बैलेंस शीट रीड्राफ्ट करनी है। तो इस तरह बैलेंस शीट रीड्राफ्ट होगी और ये एंट्रीज होंगी, एंट्रीज की मदद से आपने दोबारा बैलेंस शीट बनानी है। तो कुछ चीज़ें देखनी है बैलेंस वो लाइबिलिटीज़ में, कैपिटल में, एसेट में जो इंक्रीज़ हो रही होंगी या डिक्रीज़ हो रही होंगी या कुछ चीज़ें नहीं ऐड हो रही होंगी, जैसे उसमें शेयर प्रीमियम ऐड हुआ था और इधर बोनस वो शेयर में 12,000 के साथ नए जो शेयर इशू किए थे वो ऐड हो गए थे। और ये प्रॉफिट एंड लॉस था ये 0 हो गया था, 8,00,000 में से ये 2,30,000 हमने माइनस कराया था। तो इस तरह की एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी सारी। बस क्वेश्चन नंबर 7 में यही था।